नमस्कार, आप देख रहे हैं वीडीटीवी उत्तर प्रदेश। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले पर आज वाराणसी के जिला कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों तरफ की दलीलें सुनकर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये फैसला कल दोपहर 2 बजे आएगा। आगे किस तरह सुनवाई होगी, इसकी रूपरेखा क्या होगी, ये कल बताया जाएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला वाराणसी कोर्ट को ट्रांसफर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत को 8 सप्ताह में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि अब किन बातों पर सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी मस्जिद मसले पर हिंदू और मुसलमान पक्ष की अलग अलग मांगों पर सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष की मांगों को देखें तो श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा की मांग, वजू खाने में मिले कथित शिवलिंग की पूजा की मांग, नंदी के उत्तर में मौजूद दीवार को तोड़कर मलबा हटाने की मांग, शिवलिंग की लंबाई चौड़ाई जानने के लिए सर्वे की मांग और वजू खाने का वैकल्पिक इंतजाम करने की मांग। मुस्लिम पक्ष की मांग देखें तो वजू खाने को सील करने का विरोध, 1991 एक्ट के तहत ज्ञानव्यापी सर्वे पर केस और सवाल। वाराणसी कोर्ट की सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर हुई। बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने ये याचिका दायर की। उनका कहना है कि वर्शिप एक्ट काशी विश्वनाथ मंदिर पर लागू नहीं होता है। आगे कहा गया कि ज्ञानव्यापी मस्जिद इस्लाम के सिद्धांत के हिसाब से नहीं बनी है। उन्होंने कहा कि ये ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी की उपासना पूजा का मामला सीधे तौर पर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए वीडीटीवी उत्तर प्रदेश।